हे मेरे प्रियो, पाप करके शैतान के पीछे नहीं जाना, वरना शैतान के पीछे पीछे नरक में जाना पड़ जाएगा 100%। हे मेरे प्रियो, मैं आपको पाप से बचाना चाहता हूँ। आज के इस समय में हमारे मसीही बहनें छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, शादी से पहले होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं। एक लड़की, मसीही लड़की, जिसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है, और वही मसीही लड़की स्वर्ग दूतों की तरह सुबह शाम हाथ उठाकर ऐसे प्रार्थना करती है, मान वे पवित्र मरियम की तरह प्रार्थना करती हैं। और आज हमारे मसीही भाई नौजवान गर्लफ्रेंड बनाते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, अपने मोबाइल पर छिपकर गंदे अश्लील वीडियो देखते हैं। वही मसीही लड़का जिसके लिए परमेश्वर ने अपना कीमती रक्त बहाया है, और वही मसीही लड़का ऐसे प्रार्थना करता है मानो वे स्वर्गदूत की तरह हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं। जीजस वार्निंग बेबीचार एक मीठ हजार। अभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, अभी तो सब कुछ अच्छा ही नजर आ रहा है, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है। याद रखना, जिस किसी का उद्धार नहीं हुआ होगा उसे नरक का आनंद लेना पड़ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जैसा लिखा है अय्यूब की पुस्तक में 7:9 में, जैसा बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे अधोलोक में उतरने वाला व्यक्ति फिर वहां से कभी नहीं लौट सकता है। अधोलोक में जाने वाला व्यक्ति नरक में जाने वाला मनुष्य फिर कभी वहां से अधलोक से बाहर नहीं आ सकता है। वहां पर अंधकार ही अंधकार है। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अभी समय है, वक्त है, बचा लो अपने आप को। एक बार जीवन से और एक बार शरीर से आत्मा बाहर आ गई, प्राण बाहर आ गया, निकल गया तो फिर दोबारा अवसर नहीं मिलेगा मन फिराने का, क्योंकि प्रभु ने हमारे पास वचन भेजा है, सच्चाई भेजा है, जो खुद परमेश्वर हमसे बातें करता है कि पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, समय कम है और दिन बुरे हैं। हमने आपके लिए वचन बनाया था, वीडियो बनाया था कि मन फिराओ या नाश हो जाओ। अभी वक्त है, बाद में आपको इस सुसमाचार सुनाने का अवसर नहीं दिया जाएगा मेरे प्रिय जनों, नहीं मिलेगा। एक बार शरीर से आत्मा बाहर आ गई, प्राण बाहर आ गया, तो आपके सारे रास्ते दरवाजे जिस दिन आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, उसी दिन आपके सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। तब आपके पास कोई उस समय आस नहीं होगी, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा, कोई वहां से सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा। जैसा लिखा है अय्यूब की पुस्तक में 10:21 में, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहाँ से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहाँ अंधकार ही अंधकार है। अय्यूब साफ साफ कहता है, मेरे प्रिय वचन साफ कह रहा है कि नरक में जो कोई वहां पर इंसान जाता है वो फिर कभी लौट कर वहां से नहीं आता है, अर्थात वहां पर अंधकार है, अंधियारा है, घोर अंधकार है। क्या लिखा, अंधकार ही अंधकार है अधलोक में। मेरे प्रियजनों, अधलोक बहुत ही गहराई के नीचे, पृथ्वी की गहराई में, पाताल के नीचे, मेरे प्रियजनों पाताल जिसको कहा गया, परमेश्वर ने कहा है। आगे लिखा अय्यूब की पुस्तक 14:5 में लिखा हुआ है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीने गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए सिवाना बांधा जिसे वो पार नहीं कर सकता है। जीजस वार्निंग, आंख खोलकर वीडियो ध्यान से देख लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस वीडियो को शेयर करना अपने मसीह भाइयों के पास, ताकि वह सच्चाई पर चले और सत्य को जाने। बाइबल साफ बताती है, यीशु मसीह ने मनुष्य के दिन नियुक्त किए हैं, उसके दिन गिनती के हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य के दिन गिनती के हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, और उसने ऐसा सिवाना बांधा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता है। रॉन्ग टीचिंग। परमेश्वर आपके पास वचन भेज के रखा है, जीवन और मौत की बातें आपके सामने रखी हुई हैं, चुनाव भी आपका, फैसला भी आपका है,
कब तक अपने शरीर को सुख देते रहोगे, कब तक अपने शरीर को सुख देते देते अपने प्राणों को नाश करना चाहते। भैया थोड़ी सी मजा आनंद काल की सजा दी जाएगी, साहेब को समझ में नहीं आ रहा भाई अभी समय है, टाइम है, बचा लो अपने आप को, खुद को बचाना चाहते हो तो बचा लो मेरे प्रिय। परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया है, कीमती रक्त बहाया बहाया है, जिस जैसे लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे 17 लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। बाइबल साफ बताती है मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है, यीशु मसीह ने अपना कीमती रक्त बहाया है, उसने अपना अपने आप को नहीं रख छोड़ा, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह जगत में इसलिए नहीं आया था मेरे प्रियजनों कि यीशु मसीह हम सभी को सारे मानव जाति को दंड की आज्ञा सुनाए, उसको दंड दे या उसको मारे या उसको श्राप दे, इसलिए यीशु मसीह ने नहीं आया था। इसलिए अभी आपके पास समय, खुद यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु मसीह के द्वारा आप उद्धार पाओगे, आप परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाओगे। याद रखना, आपका उद्धार नहीं हुआ होगा यदि आप पाप करते करते अचानक किसी दिन मर गए, बिना उद्धार के मर गए, तो आपको कहाँ जाना पड़ जाएगा? आपको गारंटी के साथ बाइबल बताती कहाँ जाना पड़ेगा, नहीं पता है तो आपको बाइबल से बता रहा हूँ गहरी गहरी बातें। लिखा प्रकाशित की 21:8 में लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टनों और मूर्ति कुंजों, इन सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु है मेरे प्रियजनों। बाइबल साफ बताती है जो व्यभिचारी लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो घिनौना काम करते हैं, विचार करते, हत्या करते, कत्ल खून बाते, गालियां बकते, चुगली बकते, पाप विचार करते, तो परमेश्वर का वचन कहता है उनको दूसरी मृत्यु दी जाएगी। दूसरी मृत्यु बहुत खतरनाक मृत्यु है मेरे प्रियजनों। पहली मृत्यु यहीं पर होती है, दूसरी मृत्यु जो परमेश्वर देगा, जो सहनशीलता से बाहर होगा, आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। ध्यान से वीडियो देखना, अपने मसीह भाइयों के पास शेयर करना, परमेश्वर आपको माफ करेगा। मेरे प्रियजनों अभी समय है, अभी वक्त है, टाइम है, जरा सोच के देखो। ये जो आप समय फालतू चीज़ों में गंवा रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में गवा रहे हो, गलत चीज़ों में गवा रहे हो, तो जरा सोच के देखो ये समय क्या दोबारा वापस चला आएगा मेरे प्रियजनों? ये समय वापस आएगा? ये समय जो चला जाएगा कभी लौट कर नहीं आएगा, बाइबल बताती है। इसलिए बाइबल बताती है इब्रानियों की पुस्तक में, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं और दिन भयानक आने वाले हैं, दिन खतरनाक आने वाले हैं। इसलिए जो समय जो टाइम दे रहा परमेश्वर, इसमें अब सच्चाई को जानो, मन फिराओ, सुसमाचार पे विश्वास करो, तुम्हारे गुनाह मिटाएगा परमेश्वर और अनंत काल का जीवन देगा। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय मसीह की, आमीन।